हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल ट्रेवल्स के एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं एक 24 आवर्स का फूड चैलेंज। और ये जो फूड चैलेंज है ये हम लोग का बर्गर किंग का है, यानी 24 आवर्स का फूड बर्गर किंग का फूड चैलेंज। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वीडियो को एंड तक बने। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें क्या पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए यही बात हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेलकम बैक गाइस। और अभी जैसे कि टाइम जो हो रहा है वो करीब 11 AM हो रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर अपने रूम से बर्गर किंग यहाँ पर फर्स्ट चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ जो भी हम लोग खाएंगे उसका सबका मैं प्राइस और क्या क्या लिखा है सबका बताऊंगा, और फाइनली टोटल कितना खर्च हुआ सब बताऊंगा। तो चलिए हम लोग के साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए ट्रिप को, और चलिए और चलते हैं। तो वेलकम बैक गाइस। और अभी ऐसे देख सकते हैं अभी हम लोग आए हुए हैं रहेजा मॉल में, और यहाँ रहेजा मॉल में बर्गर किंग क्योंकि हम लोग नियरेस्ट लोकेशन था। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे अभी अंदर, और हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे फूड चैलेंज अपना 24 आवर्स तक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप लोग जो है इसका देख लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और हम लोग का ये पूरा मील आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं ये फ्राइज़ है, यहाँ पर हम लोग मील लिए हैं, और ये बर्गर है, और यहाँ पर हम लोग को कोल्ड ड्रिंक दिए गए हैं। और जो इसका जो प्राइस है वो मैं बता दूँ कि ₹150 है। तो चलिए हम लोग खाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर बर्गर से जस्ट निकले हैं, और अभी यहाँ पर काफ़ी धूप है। तो अभी हम लोग अपने डायरेक्ट रूम पर चल रहे हैं, और फिर रूम पर चल कर मैं आपको अभी रिव्यू देता हूँ कि कैसा रहा। और यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम भी है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। चलिए हम लोग चलते हैं रूम पर। तो अब हम लोग रूम पे वापस आ चुके हैं, और जो हम लोग का पहले मैं रिव्यू दे देता हूँ फूड का जो हम लोग लिया था। तो हमने लिया था ये मीडियम कॉम्बो क्रिस्पी वेज मील का, और इसका जो प्राइस हम लोग पास था वो 152 रुपीज़ पड़ा था। और इसका देखते ये बिल है इसका, तो ये बिल हम कैंड में देते। और सबसे पहले बात करते हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ बाहर का मेरा, और फूड कैसा था उसका भी रिव्यू है। तो टेस्ट वाइज मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि मैं पहले भी खा चुका हूँ, बट टेस्ट वाइज उतना मुझे पसंद नहीं आया। अभी देखते हैं और दोपहर का यानी बाद का और रात का कैसा रहता है, तो हम लोग दूसरा लोकेशन पर जाके भी खाएंगे। तो मैं मिलता हूँ अभी, जैसे कि बज रहा है अराउंड 12:30 हो रहा है, और हम लोग नेक्स्ट के लिए हम लोग चलेंगे दूसरा लोकेशन पे, बर्गर किंग का दूसरा लोकेशन पे। फिर हम लोग ऑनलाइन मंगवाएंगे भी, या ऑनलाइन मंगवाएंगे भी कि ट्राई करने के लिए कि उसमें और इसमें कितना डिफरेंस रहता है वो भी बताऊँगा, कि ऑनलाइन डिलीवरी करवाने में और जाकर खाने में वो कितना डिफरेंस लगता है मुझे। तो मैं करीब इवनिंग में 5 बजे 5 PM या 4 PM के आसपास जाऊँगा खाने। तो मैं मिलता हूँ आपको उस टाइम पे, तब तक के लिए। तो जैसा कि अभी जो टाइम हो रहा है वो 4 बज रहा है, और अब हम लोग निकल रहे हैं अपना चैलेंज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से हम लोग वहाँ भी बर्गर की आउटलेट है वहाँ से हम खाएँगे। उसके हम लोग कुछ और काम है तो वो करके फिर हम लोग रात में रिटर्न होंगे। तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे जो हम लोग का थर्ड पार्ट होगा, और उसी का हम लोग का फूड चैन भी एंड होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। गाइस अब हम लोग यहाँ पर बर्गर किंग में आ गए हैं, और अब Thank you.
निकले हैं मेट्रो से, हम लोग अपना काम था करके जो हम लोग का काम था। और अगर मैं बात करूँ जो हम लोग बर्गर किंग में खाए थे उसका रिव्यू के लिए, तो मॉर्निंग में जहाँ से हम लोग खाए थे उससे बेटर था अभी का। और हम लोग दोनों टाइम सेम ही चीज़ लिए है, जो क्रिस्पी वेज मिल था दोनों सेम ही लिए है। और अभी वाला में जो था उसका टेस्ट भी सही था और क्रिस्पनेस भी बेटर था उसके मुकाबले। तो जैसा मैं पहले खाता था बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था, उसमें कोई चेंज नहीं था। अमाउंट भी ज़्यादा था क्योंकि अभी मीडियम का मीडियम प्राइस जो है वो चल रहा है। तो अब चलिए हम लोग चल रहे हैं अपने वापस अपने रूट पे। और अभी जो है वो करीब आपका 7 बज रहा है और अभी थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा हुआ है। तो अब हम लोग बस थोड़ी देर बाद 9 बजे तक फिर से ऑर्डर करेंगे। और मैं जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, तो मैं दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी कितना का अंतर पड़ता। तो अभी रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग ने अभी जस्ट नहीं यहाँ पर बर्गर किंग से फाइनली लास्ट फेज के लिए वेज वॉपर का मील मंगवाया है। और ये हम लोग ने डायरेक्ट नहीं बर्गर किंग के ऑफिशियल मोबाइल ऐप से मंगवाया है। तो उन्होंने बोला यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम जो दिखा रहा है वो 9:30 का दिखा रहा है। तो एक बार आ जाता है तो फिर मैं आपको इसका दिखाता हूँ कैसा है और उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि हम लोग पहली बार जो है वो वेज वॉपर को ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए और मैं बता दूँ कि जो इसका प्राइस है वो 180 मुझे पड़ा है एक डिस्काउंट कूपन लगा के। तो चलिए अब जैसे आते तो बात करते हैं। तो गाइस ये हम लोग का ये आ चुका है, अब इसको देखते हैं क्या क्या है। और ये टिफिन है कुछ, यहाँ पर केचप का पैकेट है देख सकते हैं आप। यहाँ पर उनका प्राइस है जो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो पैकिंग आने का थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो मुझे लगता है कोल्ड ड्रिंक है, उसका पैक कर दिया है। और ये है आपका पेप्सी का, ये हो गया हम लोग फ्राइज, ये केचप है, ये पेप्सी की बोतल है और यहाँ पर है वेज वॉपर। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे और फिर हम खाएंगे इसको। तो चलिए खाते साथ में। तो जैसे कि सकते हैं इसमें बर्गर का पैस काफ़ी बड़ा है वेज वॉपर का, क्रिस्पी वेज के बर्गर के हिसाब से। तो और फिर अब एक एक सब ओपन करते। तो ठंडा हो गया कुछ, हम लोग काफी सही टेस्ट है इसका और क्रिस्पी वे से बेटर है। इसमें बहुत सारी चीजें डाला हुआ, जैसे कि आप इसमें दे सकते हैं कैक्टस, यहाँ पर कैक्टस आपको दिख जाएगा, फिर ओनियन दिख जाएगा, फिर सब मेयोनीज है। तो फाइनली हम लोग अभी दस आके बाद चीज खा लिए है और अभी यहाँ पर देखते हैं ये पेप्सी अभी भी बाकी रह गया थोड़ा सा, तो इसको पियेंगे हम लोग आराम से। और तब तक हम लोग बात कर ले कि अभी का जो वॉपर हम लोग लिए थे वो कैसा था। और मैं जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वॉपर का भी मैंने पहले बार ट्राई किया है तो मुझे काफ़ी सही लगा। ऑल दो ये थोड़ा ठंडा हो गया था क्योंकि आने में टाइम लग गया था और इसमें जितना भी मीन्स थे आइटम्स थे थोड़ा ठंडे हो गए थे, बट अगर इसको गर्म खाया तो इसका टेस्ट काफ़ी सही लगेगा मेरे ख्याल से। और मैं एक बार बाद में ज़रूर ट्राई करूँगा और आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगा कि यह गर्म में खाने में कैसा लगता है। और ओवरऑल मैं बता दूँ कि जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा ये 24 फूड चैलेंज का,
वो कल पता चलेगा कि मैं पेट कैसा रहता है, कैसा हाल होता है। दिन भर के बर्गर किंग खान का खाने से ही, बर्गर खाने से ही, तो उसका मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों का भी अगला वीडियो में। और फिर उसके बाद अगर टोटल प्राइस का बात करें तो मुझे अराउंड 450 प्लस 418 लगा है टोटल स्पेंड हुआ, जैसे कि मैंने तीनों मील मंगवाया था और साथ ही साथ मैंने एक अभी आइसक्रीम भी अलग से ऑर्डर किया था, तो उसका मुझे 30 रुपीज़ पड़ा था जो मैंने दोपहर में ही खाया था। तो अराउंड मुझे 510 रुपीज़ टोटल लगा, या फिर 500 टोटल लगा था। तो आप 500 में एक दिन में आराम से खा सकते हैं। और अगर आप बर्गर किंग जाकर पार्टी कर रहे हैं तो इतने ही में आप लोग 3 या 4 दिन आराम से स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो भी है सब में जो रेगुलर साइज मिला था उस सब बर्गर किंग में हट चुका है। तो ये थोड़ा सा अच्छा ही लगा मुझे। और बाकी फूड टेस्ट वाइज, सॉरी, टेस्ट वाइज और सब चीज़ वाइज काफ़ी सही था। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और यही में हम लोग का जो 24 आवर्स चैलेंज होता है वो कम्प्लीट होता है। और आप लोग को ये वीडियो में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ये फूड चैनल मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर से बताइए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।